ओह माय गॉड, देखिए 1200 विधि ने डांस शुरू कर दिया है बीच मार्केट में। What's up guys, welcome back to new vlog, और सीन कुछ ऐसा है। तो गाइज, दिवाली फेस्टिवल वीक शुरू हो चुका है। आज है 2 नवंबर 2021 और आज है धनतेरस का फेस्टिवल। और अनु, मैं और विधि सब आए हैं रामनगर की मार्केट में शॉपिंग करने। विधि कैसे लग रहा है? अनु कहाँ गई? पारस भी आए हैं गाइस हमारे साथ। आज पारस हाय करो बेटे। ये चलो, तो गाइस देख रहे हैं भीड़ कैसी हो रही है रामनगर मार्केट में। गजब, तेरे को चलना अनु पहले। वैसे मोस्टली बड़ी भाभी ने सारी शॉपिंग कर ली है, खाली बच्चों को घुमाना था। विधि का बहुत मन था। तो गाइस अभी हम हैं ज्वाला लैंड में। वैसे शॉपिंग मैंने आपको बताया, बड़ी भाभी ने सब कर ली है, और थोड़े खेल खिलौने और बतासे वगैरह लेने, जो दिवाली का फेस्टिवल साथ होता है वो खीले बतासे खेल खिलौने वो हमने परचेस करने। बाकी सामान जो मोस्टली था बड़ी भाभी परचेस करके जा चुकी हैं, और बड़ी भाभी ने कल ही सब कुछ परचेस कर लिया था। अभी अनु और मैं और विधि आए हैं। और कैसा लग रहा है अनु मार्केट में भीड़ देख के? 2 साल के बाद इस बार थोड़ा कोरोना ने थोड़ा छूट दी है, तो मार्केट में अच्छी खासी भीड़ चल रही है। मार्केट गुलजार है मतलब, लेकिन उस हिसाब से भी कुछ व्यापारियों से मैंने बात करी थी, मतलब रामनगर के कुछ व्यापारी बता रहे थे कि जो मतलब मार्केट में चहल पहल होनी चाहिए, जो गुलजारनेस होनी चाहिए, वो इस बार भी नहीं है। मार्केट थोड़ी हल्की है इस बार भी। पटाखा मार्केट तो बता रहे थे कि लोग बिल्कुल मतलब ख़त्म ही समझो जी। एक मेरा मित्र भी है, उसकी लखनपुर में शॉप है, मेरे उससे मिल के आया तो उसने मुझे बताया कि इस बार भी मार्केट में इतनी कोई ज़्यादा रौनक है नहीं है फिलहाल, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल जिसे आप कह सकते हैं, उसी हिसाब से नहीं है जो जिस हिसाब से होनी चाहिए। 2 साल तो आपको पता ही है कोरोना ने कैसी कमर तोड़ी है, और अब हिट तो अब अच्छा लग रहा है। अरे पारस को नहीं लिया मैंने, क्या कहना चाह रहे हो? हाय करो आप। आज तो कैप पहन के आ गए आप। आ जाओ। हाँ बेटा, और अनु बोल रही है भैया पहले घूमेंगे उसके बाद थोड़ी चीज लेंगे, और कह रही है यार लेट नाइट जाएंगे, आराम से 1.5 घंटा घूमेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। अनु आराम से 1.5 घंटा घूम के उसके बाद चलेंगे ना घर। चलो हैंडसम बॉय मन्नू राणा ब्लॉग भी अपनी मम्मी के साथ धनतेरस में कुछ परचेस करने आया है। वो भी कह रहे थे मैं ब्लॉग शूट करूंगा, तो मैं भी पॉसिबल वो हमसे टकरा जाए, मैं उनके ब्लॉग में आ जाऊँ, वो मेरे ब्लॉग में आ जाए। बनाना अभी बाद में लेंगे, पहले घूमो पहले आप। अब वो पता नहीं किस लाइन में है, मुझे पता नहीं, अभी उन्हें फ़ोन करके पूछता हूँ, पहले हम घूम लेते हैं उसके बाद। हाँ बेटा अभी लेंगे बाद में, पहले घूम लो तो। आजा ज्वाला लाइन क्रॉस करने के बाद जहाँ ये लाइन एंड होती है वो है सर्राफा चौक, या सर्राफा मार्केट। अभी हमें सर्राफा मार्केट में, सर्राफा मार्केट में भी अच्छी खासी चहल पहल है। एक्चुअली गोल्ड के रेट आपको पता ही है कितने डाउन हो गए, 57 से 47 या 46 हो गए, तो सुनारों की दुकान में भी ज़बरदस्त चहल पहल है। ये देखिए, ये है रामनगर की सर्राफा मार्केट। पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद, पूरी व्यवस्था देखते हुए, चाक चौबंद व्यवस्था देखते हुए, देखिए पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है हमारा। आओ चले, आओ इधर चल लेंगे। हाँ तो गाइज अब हम जा रहे हैं कसेरा लाइन में, रामनगर की दूसरी लाइन। रामनगर की मार्केट मुख्यतः 4 लाइनों में डिवाइडेड है। पहली लाइन जसपुरिया लाइन, दूसरी कसेरा लाइन, तीसरी ज्वाला, और लास्ट वाली बजाजा लाइन। और जहाँ से ये लाइनें शुरू होती हैं ना गाइज, और बताते हैं कि रामनगर की मार्केट ही ऐसी, आसपास के जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, रामनगर की मार्केट अकेली ऐसी मार्केट जो बिल्कुल नक्शे से बनी है, मतलब जहाँ से ये लाइनें शुरू होती हैं चारों लाइनें वहाँ से भी एक दूसरे से मिली हुई हैं, और जहाँ पर ये लाइनें ख़त्म होती हैं वहाँ भी एक दूसरे से मिली हुई हैं, और बीच में भी आपस में लिंक है।
बिल्कुल तरीके से तो सिस्टमेटिक रामनगर की मार्केट बनी हुई है ऐसा मुझे मेरे किसी मित्र ने बताया है। और बाकी आप रामनगर आएंगे तो देख ही लेंगे। और गाइस कसेरा लाइन में भीड़ देख रहे हैं और हो सकता है मन्नू राणा ब्लॉग मुझे यहीं मिल जाए आस पास ही। वो बता रहे थे यहीं से कुछ परचेज करना है, मम्मी के साथ आए हुए हैं, वो मेरी नज़रें उनको तलाश कर रही हैं अगर मिल जाए तो। कसेरा लाइन की भीड़ देखिए गाइस, आ जा विधि। अच्छा मैं ब्लॉग की शुरुआत कैसे करता हूँ बोल के दिखाता हूँ। तो गाइस विधि ने भी ब्लॉग को चरम सीमा पे पहुंचा दिया है अपनी आवाज डालकर, ब्लॉग में चार चांद लगा दिए हैं। अच्छा आपको नहीं लिया मैंने, अभी ले गए बेटे, अब उधर से आ जाओ। अंकल जी चैनल का नाम क्या है? MBT Vlogs जी, आओ बेटा। तो गाइज अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम ज्वाला लाइन में आए हैं किड्स जोशी हेयर कलेक्शन में और यहाँ पर देखिए हमारे पारस के लिए कोई टी शर्ट वगैरह ले रहे हैं और विधि के लिए भी ले रहे हैं। विधि आपके लिए टी शर्ट सिलेक्ट हो गई? और पारस के लिए कौन सी सिलेक्ट हुई है? ये देखिए हमारी विधि के लिए हमने लिया है येलो कलर की एक स्वेट। हाँ बेटे अभी तो ये बहुत बड़े प्लाज, आ जा पारस। आपने भी सिलेक्ट कर ली ड्रेस आपकी, कौन सी ले रहे हो आप? ये देखिए विधि की, ये विधि की ड्रेस है। और पारस की हमारे कौन सी है? पारस आपकी कौन सी ड्रेस है? अरे वाह, तो पहले बच्चों के लिए कपड़े ले लेते हैं, उसके बाद जो प्रसाद वगैरह खरीदना खीले बतासे वगैरह खरीदने वो लेके फिर चलते हैं घर को। और ये देखिए गाइस बड़ा अचंबा जैसा हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया है। जो मैं आपसे इस ब्लॉग में बता ही रहा था कि मन्नू राणा ब्लॉग भी अपनी मम्मी के साथ आए हुए हैं और वो से टकरा गए हैं, हमारे ब्लॉग आ गए हैं। ये गाइस ये देखिए मन्नू राणा ब्लॉग, हेलो। ये देखिए गाइस मन्नू राणा ब्लॉग टकरा चुके हैं। और गाइस कर्ली पर जो खरीदना था, जो खरीदना था खरीद लिया? हाँ थोड़ा बहुत खरीद लिया, अभी आधा आइटम खरीदा है। अच्छा तो गाइस पारस और विधि के लिए हमने कपड़े खरीद लिए हैं जोशी गारमेंट्स से, किड्स वेयर थे। अगर आप भी बच्चों के लिए कपड़े परचेज करना चाहते हैं तो जोशी गारमेंट्स में आइए, बहुत रीजनेबल रेट पे आपको यहाँ बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। और अब अपने लेने हैं खीले बतासे खरीदने हैं, उसके बाद निकलेंगे घर को। चलें आओ मन्नू राणा ब्लॉग जी, चलें फिर से टकराते हैं घूमते घूमते हैं। चलो मैं उधर से आता हूं। हां तुम इधर से जाओ, मैं इधर से आता हूं। कहां टकराते हैं? हां बेटा हमने कपड़े ले लिए और अब मैं तो सामान खरीदूंगा, दो दो। क्या खरीदना है? मैं बताऊं परस आपने क्या खरीदना है? ओह अच्छी खरीदना है, चलो फिर। तो गाइस दो दो ब्लॉगर घूम रहे हैं रामनगर में आपके, यार आप लोग पहचान नहीं रहे हमें, पहचान नहीं रहे हमें, रेडियो में दिन रात फोटो आती है यार हमारी, यार रेडियो में दिन रात हम दोनों की फोटो आती है, आप लोग हमें पहचान नहीं रहे यार ऐसे। तो गाइस दिवाली फेस्टिवल में जो प्रसाद के तौर में प्रयोग में लाया जाता है ये देखिए, इनको बोलते हैं खीले, परमल, बतासे और खिलौने। ये जो होता है दिवाली फेस्टिवल में इसको ही प्रसाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हाँ इसको देखिए खिलौने कहते हैं, हमारी विधि को भी पता है। बस हमने यही परचेस करने आना था, बाकी सामान तो मेरी भाभी सब कुछ खरीद के चली गई, दिए वगैरह लड़ी वगैरह जो थी बस भाभी ने सब मंदिर का भी जो भी सामान था सब परचेस कर लिया है। बस अन्नू को और मुझे मार्केट घूमना था और ये सामान परचेस करना था, इस बहाने मार्केट भी घूम लिया बस। अब और अभी वीडियो कहीं एंड कर लूँ या अभी आगे तक चलना है क्या? हाँ तो फिर पीना है वो सोडा है? मत कहना मेरा, मुझे देखिए विधि की आती
फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि देखिए आती है फरमाइशें, और बाजार आने तक तो ये कुछ नहीं कहती कि पापा मैं भी चलूंगी चलूंगी, लेकिन बाजार आते इसकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। ओह माय गॉड, देखिए पारस और विधि ने डांस शुरू कर दिया है बीच मार्केट में। अरे 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 अरे, और ये पारस ने डिस्को डांस शुरू कर दिया है। तो गाइज अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी शाम के बज गए हैं 6 और अंधेरा हो चुका है, और भी अभी मैं हूँ नगर पालिका की मार्केट के सामने, और यहाँ से एक मम्मी का कुछ शूट लेना था, हमने मम्मी का शूट लेते हैं, और जो हमने मार्केट से परचेज़ करना था वो सब परचेज़ कर लिया, और अब हम निकल रहे हैं घर को। तो समस्त देशवासियों को और मेरी यूट्यूब फैमिली को धनतेरस की और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएँ। तो गाइज़ वीडियो को यहीं समाप्त करें, फिर पारस एंड करता है वीडियो को, आपको पता ही आज हमारे पारस है। चलो पारस बाय कर दो, बाय।